यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत ने एक FIR दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उन्हें जान से मारने और बलात्कार की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी। ऋचा की शिकायत पर लखनऊ पुलिस ने सचर सिंह थाने में मुकदमा दर्ज किया है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत ने सपा मीडिया पर नाते रेप और जान से मारने की मुकदमा दर्ज करवाया। साथ ही ऋचा राजपूत ने अपने साथ कुछ भी होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जिम्मेदार बनाया। इससे पहले दोनों ही पार्टियों के बीच तनातनी में बहुत रविवार को लखनऊ पुलिस ने सपा मीडिया सेल के हेड मनीष चिगर की सवाल गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी पुलिस गिरफ्तार की। वहीं सपा ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष चिगर के बारे में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना निंदनीय और शर्मनाक है। सपा कार्यकर्ता को अविलंब रिहा करें पुलिस। इसके अलावा सपा प्रमुख पुलिस मुख्यालय पहुंचने के बाद पार्टी का दावा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पुलिस मुख्यालय लखनऊ पहुंचे। मुख्यालय में कोई दुविधा मौजूद नहीं है। उन्होंने इसका वीडियो भी ट्विटर के जरिए शेयर किया। बता दें सपा मीडिया